Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, आज के इस जापानी लेसन में आपका सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इकुरादेस्का किया, चीज़ों का मूल्य जानने का प्रयास किया, गिनतियाँ करी, कांजी करी हम लोगों ने नई, उससे कुछ शब्द नए किए। तो आज भी हम लोग कुछ नया ही करेंगे। आज हम आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताएंगे, जापानी में कुछ नए एक्सप्रेशंस, कैसे दुकान में आप जाते हैं, क्या दुकानदार कहता है, आपको क्या कहना चाहिए, वो पढ़ेंगे। और जो आपने अपने पुराने लेसन्स में किया है, कोरे सोरे अरे कोनो सोनो आनो, उस सीरीज़ का जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका अंतर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर इराशाई मासे। ये क्या है इराशाई मासे? एक शब्द है जापानी में जिसका अर्थ है वेलकम। देखिए इस छोटे से काइवा में, कॉन्वर्सेशन में एक दुकानदार और एक ग्राहक का ये काइवा है। इसमें सबसे पहला शब्द जो है वो इराशाई मासे है। जापान में कभी भी आप कहीं दुकान में जाइए या किसी आप होटल में जाइए या डिपार्टमेंट स्टोर में जाइए, तो दुकानदार या जो भी वहाँ व्यक्ति मौजूद है वो आपका ज़रूर स्वागत करता है, और स्वागत करते हुए झुक करके वो इराशाई मासे कहता है कि आप हमारे स्टोर में, हमारी दुकान में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो ये जो काइवा है ये दुकानदार और ग्राहक के बीच का काइवा है। एक बार इसको पढ़ते हैं और इसमें जो नई चीज़ें हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। इराशाई मासे सुमिमा सेन अनो कुत्सुश्ता वनाई रोन देस का दोनों कुत्सुश्ता देस का अनो अकाई कुत्सुश्ता देस अरे वा मोमेन देस अनो मोमेन नो कुत्सुश्ता वा इकुरा देस का निहाकु योन्जु एन देस सोरे ओ कुदासाई अरिगातो गोजाइमास माता इराश्ते कुदासाई। तो इसमें दो तीन चीज़ें और भी नई हैं, जैसे सुमिमा सेन दोनों, आनो आकाई और माता इराश्ते कुदासाई। सबसे पहले सुमिमा सेन, आपने पहले सुमिमा सेन किया है अपने प्रीवियस लेसन्स में, उसमें सुमिमा सेन का अर्थ है सॉरी। आपको बताया गया है सॉरी कि माफ़ कीजिएगा, मुझसे ऐसी गलती हो गई। जब आपसे कोई गलती हो या आपने कोई गलत काम किया हो तब सुमिमा सेन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे सुमिमा सेन जो है वो गलती के लिए नहीं है, वो दुकानदार का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ करने के लिए है कि सुनिए, इसका अर्थ है सुनिए, ज़रा एक बार मेरी बात सुनिए। तो वो सुमिमा सेन है। तो सुमिमा सेन, एक्सक्यूज़ मी अंग्रेज़ी में कहते हैं, अनो कुत्सुश्ता वा नाई रोन देस का अनो कुत्सुश्ता, वो जो वहाँ कुत्सुश्ता है, वो जो वहाँ मोज़ा है वो नायलॉन का है क्या? तो दुकानदार और ग्राहक, क्योंकि दोनों की ही पास से वो जो मोज़ा है वो दूर है, दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहता है दोनों कुत्सुश्ता देस का, जिसका अर्थ है कि वहाँ इतने सारे मोज़े रखे हैं, उन मोज़ों में से कौन सा मोज़ा। तो दोनों का अर्थ है कौन सा, यानी कि कोई भी दो या तीन चीज़ें दिखाकर उसमें से पूछा जाए कि कौन सी वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं। आनो अकाई कुत्सुश्ता देस, अब ग्राहक जो है वो और मोज़े के बारे में बताता है और कहता है कि वो जो लाल मोज़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है दूसरा सेंटेंस, अरे वा मोमेन देस अनो मोमेन न कुत्सुश्ता वा इकुरा देस का
240円です。それをください。ありがとうございます。それをください。आप पहले कर चुके हैं, यानी कि मुझे वो दे दीजिए. ये जापानी में है, आप लिख करके अभ्यास कर सकते हैं घर में. जैसा कि आपको बताया, इराशाइमासे हमेशा झुक करके स्वागत किया जाता है अपनी दुकान में. अब यहाँ पर है दोनों कुत्सुशिता देस का, जैसा कि आपको अभी हमने बताया है दोनों कुत्सुशिता देस का, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. अपने प्रीवियस लेसन में कोरे सोरे अरे और कोनो सोनो आनो ये दोनों सीरीज करी हैं. कोरे का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है दोरे, और कोनो सीरीज का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है दोनों. अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, कोरे सोरे अरे जो सीरीज है वो वस्तुओं के लिए प्रयोग में आती है, तो दोरे भी वस्तुओं के लिए ही प्रयोग में आएगा. दोरे के बाद पार्टिकल वा लगाया जाता है. जब पूछने वाला और सुनने वाला दोनों वस्तु को देख सकते हैं, तो कोई भी दो चीज़ें दिखा करके पूछा जा सकता है कि कौन सी वस्तु है. दोरे देस का, कुत्सुशितावा दोरे देस का. अब आपने कोनो सोनो आनो सीरीज भी करी है, उसमें हमेशा कोनो सोनो आनो के बाद संज्ञा लगाई जाती है. जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको वहाँ कह करके बता करके तब पार्टिकल वा लगाया जाता है. जैसा कि अभी आप देखेंगे, इसका बेसिक अंतर यही है. दोनों और दोरे, दोनों में संज्ञा के बाद वा लगता है और दोरे में सीधे वा लगाया जाता है. दोरे वस्तुओं के लिए है और दोनों वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए है. अब आप देखिए यहाँ पे दोनों कुछ सुष्टा देश का, तो कोरे सोरे अरे जैसा हमने आपको बताया आपने किया है, कोनो सोनो अनो भी आप कर चुके हैं. कोरे के बाद वा लगता है, कोनो के बाद संज्ञा उसके बाद वा लगाया जाता है, क्योंकि कोनो आप संज्ञा का नाम लेकर के, आपके टॉपिक का नाम लेकर के आप बताते हैं. इन दोनों के प्रश्नवाचक शब्द आपको दिख रहे हैं, दोरे और दोनों. अब ये यहाँ पे एक तस्वीर है, आप देखिए इसमें पेन भी रखे हैं और पेंसिल भी रखी हैं. तो हम पूछ सकते हैं, अनाथा नो पेन वा दोरे देस का, इन दो या तीन पेन में से आपका पेन कौन सा है? तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दो या तीन वस्तुओं को ही केवल दिखा करके दोरे का प्रयोग किया जाता है या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपकी हैं. अब दोनों को आप देखिए, ये दो पेन हैं, वस्तुएं हैं, दो पेन हैं. हमने नाम दिया इनको पेन और हम पूछते हैं, दोनों पेन वा अनातानो देस का, इन दोनों पेन में से आपका पेन कौन सा है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोरे के बाद वा लगता है और दोनों के बाद संज्ञा और वा लगाया जाता है. हम ये भी कह सकते हैं, दोरे वा अनातानो देस का. तो यहाँ पर हमने पेन नहीं लिखा, यहाँ पर हमने पेन नहीं लिखा, हमने दोरे का प्रयोग करके वा सीधे लगाया और पूछा, इन दो वस्तुओं में से आपकी कौन सी है? जैसे उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, तानाका सान नो पेन वा दोनों पेन देस का. अब ये जो आपके पास, सपोज अगर ये एक पेन है और ये एक पेन है, तो आप नाम लेकर के भी पूछ सकते हैं किसी का. यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं तानाका, आप तानाका लिख सकते हैं, या आप इमोतो लिख सकते हैं, या आप ओतोसान लिख सकते हैं, ओकासान लिख सकते हैं, और पूछ सकते हैं, ओकासान नो पेन वा दोनों पेन देस का, इन दोनों पेन में से ओकासान का पेन कौन सा है? या जैसे यहाँ लिखा है, इन दोनों पेन में से तानाका सान का पेन कौन सा है? तानाका सान नो पेन वा दोनों पेन देस का.
आप ये भी कह सकते हैं दोनो हितोनो पेनदेस का। अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं भाई किस व्यक्ति का ये पेन है, या अगर यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर अगर दो व्यक्ति खड़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनमें से तनाका-सान कौन से हैं, तो आप ये कह सकते हैं दोनों हितोवा, इन दोनों लोगों में से तनाका-सान कौन से हैं। दोनों हितोवा तनाका-सान देस्का, कौन से सज्जन तनाका-सान है। तो इस तरीके से दोनों का और दोरे का प्रयोग किया जाता है। अब ग्राहक ने यहाँ पर दुकानदार से कहा आनो अकाई कुत्सुष्ता देस, यानी कि कुत्सुष्ता के बारे में उसने कुछ और जानकारी देना चाहा कि वो इस रंग का है। तो ये यहाँ पे है अकाई कुरोई चाइरोई आओई शिरोई और कीरोई। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग है अकाई कुरोई चाइरोई आओई शिरोई और कीरोई। तो ग्राहक कहता है आनो अकाई कुत्सुष्ता देस। आनो वो इसलिए कहता है क्योंकि दुकानदार और ग्राहक दोनों ही कुत्सुष्ता से अलग हैं, दूर हैं। वो लाल मोजा, उसके बारे में वो बताता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं आनो आओई कुत्सुष्ता देस, आनो मिदोरी कुत्सुष्ता देस। आप किसी भी वस्तु का रंग बता करके और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं उसके बारे में। आप के लिए ये अभ्यास के लिए है आओई अकाई, आनो अकाई स्का तो वा आना तानो देस का। अभी आपने आनो किया है तो आप अकाई स्का तो कर सकते हैं, आप अकाई शत्स कर सकते हैं, आओई पेन कर सकते हैं। आनो आओई पेन वा आना तानो देस का, आनो अकाई स्का तो वा आना तानो देस का, कोनो शिरोई पेन वा दारे नो देस का, किसका है ये, कुरोई कुरोई कासा वा दारे नो देस का। या आप ये भी कह सकते हैं कुरोई कासा वा इकुरा देस का, ये भी एक वाक्य बन सकता है। शिरोई कुत्सु, शिरोई कुत्सु वा निहा कुएन देस, कोनो चाइरोई कुत्सु वा सेन एन देस। सो इस तरीके से जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप वाक्य में बना करके अभ्यास कर सकते हैं। का लगा करके अंत में वाक्य के का लगा करके आप उस सेंटेंस को आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अपने दोस्त से और छोटा सा एक कायवा कर सकते हैं। अब कायवा के अंत में जो दुकानदार है वो कहता है माता इराश्ते कुदासाई। माता इराश्ते कुदासाई क्या है? देखिए जब भी कोई ग्राहक कुछ खरीदता है किसी दुकान पे, तो जो दुकानदार है वो उसको जाने से पहले ज़रूर कहेगा कि आप मेरी दुकान पे ज़रूर अगली बार आइएगा। तो उस समय वो जापानी में उससे कहता है माता इराश्ते कुदासाई, आप ज़रूर दोबारा मेरी दुकान में आइएगा। ये जो अभिव्यक्ति है ये जापान में किसी के घर में जब आप जाते हैं और वहाँ से वापस निकलते हैं अपने घर के लिए, तो जो घर के सज्जन हैं वो आपसे ये कह सकते हैं माता इराश्ते कुदासाई, आप ज़रूर दोबारा मेरे घर आइएगा। और वो एक और अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वो है कियोत्सुकेते कुदासाई, यानी कि आप ध्यान रखिएगा। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के घर से जाता है और जो घर में सज्जन हैं
वो अगर ये कहते हैं माता इराश्ते कुदासाई कियोत्स केते कुदासाई, तो कियोत्स केते का अर्थ है वहाँ पर कि आप ध्यान से घर वापस जाइएगा, और जैसा कि यहाँ लिखा है अपना ख्याल रखिएगा, ये इसका अर्थ बनता है। तो ये एक अभिव्यक्ति है जो आप घर पे अगर कोई आए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और माता इराश्ते कुदासाई दुकान पर और घर पर दोनों जगह इसका प्रयोग हो सकता है। अब आपने कुदासाई अपने पिछले पाठ में करा था, कुछ भी आपने खरीदा और आप कहेंगे सोरे ओ कुदासाई। कुदासाई का एक और भी अर्थ है। कुदासाई का अर्थ जब वो क्रिया के साथ लगाया जाता है तब उसका अर्थ हो जाता है प्लीज़ ये कार्य मेरे लिए कर दीजिए, कृपया ये कार्य मेरे लिए कर दीजिए। और अगर ये केवल संज्ञा के साथ लगाया जाता है तो ये भी इसका अर्थ निकलता है कि ये मुझे दे दीजिए। जैसे कि अगर आपने कहा रिंगो ओ कुदासाई, तो इसका एक अर्थ तो ये है कि मैं रिंगो खरीद रहा हूँ, मुझे रिंगो दे दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप केवल उसको लेना चाहें या देखना चाहें, तो आप कह सकते हैं होन ओ कुदासाई, होन ओ कुदासाई, मतलब ये किताब मुझे दे दीजिए। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे रिंगो ओ कुदासाई है, रिंगो ओ ओनेगाई शिमास, कृपया मुझे रिंगो दे दीजिए, इसका अर्थ भी यही निकलता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि कुदासाई आप किसी से भी कह सकते हैं, ओनेगाई शिमास ज़्यादातर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में या अपने से जो उम्र में बड़ा हो या ओहदे में बड़ा हो या आप जानते नहीं हो उस व्यक्ति को, तब प्रयोग किया जाता है, लाया जाता है। जैसे इसमें है रिंगो ओ कुदासाई, रिंगो ओ ओनेगाई शिमास। जैसा अभी हमने आपको बताया है कि ओनेगाई शिमास अपने से बड़ों से प्रयोग में लाया जाता है, तो जैसे अगर आप सोचिए कि आप रेस्टोरेंट गए हैं, आप कहीं खाना खाने गए हैं, आप टेबल पे बैठे हैं, तो वहाँ पे आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कहीं समझ लीजिए नमक की कमी है, आपको नमक चाहिए टेबल में, तो आप कह सकते हैं शियो कुदासाई, मुझे प्लीज़ ये दे दीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कहें शियो ओनेगाई शिमास, कृपया मुझे शियो दे दीजिए, मुझे सॉल्ट दे दीजिए, मुझे नमक दे दीजिए। अब जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात करना चाहते हैं, आपने कहीं ऑफिस में फ़ोन किया, आप फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि तनाका-सान से, जैसे अगर आपको बात करनी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि तनाका-सान ओ कुदासाई, मुझे तनाका-सान दे दीजिए, नहीं, उस समय आप कहेंगे तनाका-सान ओनेगाई शिमास, कृपया तनाका-सान को बुला दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कुदासाई कब प्रयोग करना है और ओनेगाई शिमास कब प्रयोग करना है, जबकि ये दोनों का अर्थ एक ही है, कृपया। अब जैसे अगर आपको टैक्सी लेनी है और आपको स्टेशन तक जाना है, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे टैक्सी वाले से कि आप मुझे स्टेशन ओ कुदासाई या स्टेशन मादे कुदासाई, आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एकी मादे ओनेगाई शिमास, स्टेशन मादे ओनेगाई शिमास। इसमें जब ओनेगाई का प्रयोग किया जाता है तो ओ ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय ओ लगाइए, आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेशन तक आप मुझे पहुँचा दीजिए। चोत्तो माते कुदासाई, ये एक एक्सप्रेशन है जो शायद आप सब जानते भी हैं, और माता इराश्ते कुदासाई, कुदासाई थोड़ा सा जो है एक ऑर्डर की तरीके से भी हम लोग कहते हैं, हम अपने सामने वाले की इच्छा नहीं पूछते हैं कोई भी काम करने के लिए, हम उसको ये पोलाइटली कह देते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए,
चुत्तमात्ते कुदासाई, मतलब कृपया थोड़ी देर रुकिए। ये नहीं पूछते हैं कि आप रुकना चाहते हैं या नहीं, कुदासाई लगा करके ये कह दिया जाता है कि प्लीज़ कृपया थोड़ी देर रुकिए। तो ये एक तरीके से कभी कभी पोलाइट ऑर्डर के तरीके से भी समझा जाता है। अब देखिए, सुमिमा सेन अकाइस का तो वह इकुरा देस का सेन एन देस, उन्होंने बताया 1000 येन की है। तो अब आप इसको अकाई की जगह, यहाँ पे अकाई है, इसकी जगह आप शिरोई, कुरोई, आओई, कीरोई, आप ये कोई भी रंग लगा करके स्कर्ट के बारे में या आप शर्ट के बारे में, आप किसी कबान के बारे में, एम्पित्सु के बारे में, हाना के बारे में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कितने का है, जान सकते हैं ये कितने का है। तो ये आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए। अब पिछले हमारे पाठ में आपने किया था इकुरा, इकुरा यानी कि इसका मूल्य कितना है, इकुत्सु उससे पहले किया था, नान साइदेस का। तो आज इनका फर्क देखते हैं कि ये क्या है। इकुरा मिकान वा इकुरा देस का, मिकान का मूल्य क्या है, ये हमने पिछले अपने पाठ में किया था। ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। हमेशा ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये आपके टॉपिक के बाद है। टॉपिक जनरली नाउन ही हो गया, संज्ञा ही होगा, तो मिकान वा मिकान के बारे में बात कर रहे हैं, मिकान के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मिकान वा इकुरा देस का, कितने का है, नाउन प्लस वा इकुरा देस का। जो भी टॉपिक होगा वो ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन होगा, संज्ञा या सर्वनाम ही होगा, इसीलिए नाउन प्लस इकुरा देस का, रिंगोवा इकुरा देस का। अब इकुत्सु ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। इकुत्सु का जो साधारण रूप है वो आपने किया है साई, नान साई देस का, आप कितने बड़े हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से जो आपसे उम्र में बड़े हैं या कोई फॉर्मल सिचुएशन है उसमें जब आप पूछते हैं किसी की उम्र, तो आप इकुत्सु लगाकर पूछते हैं, साई लगाकर नहीं पूछते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है तनाका सान। अब आप तनाका सान को जानते नहीं हैं, तो तनाका सान वा फिर से आपके टॉपिक हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, वो इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसलिए तनाका सान वा इकुत्सु देस का। अगर आप किसी व्यक्ति की उम्र जानना चाहते हैं जो आपसे बहुत उम्र में बड़े हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त के मित्र के पिताजी की उम्र जानना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं ओतो सान वा ओइकुत्सु देस का, यानी कि आप यहाँ पर ओतो सान लगा सकते हैं। ओका सान लगा सकते हैं या आप किसी और का नाम लिख सकते हैं। वा ओई कुत्सु देस का, ओ आपने पिछली बार किया है, ऑनरिफिक है, सम्मान के लिए प्रयोग में आता है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना करके पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, रिंगो वा इकुत्सु देस का। अब ये यहाँ पर इकुत्सु थोड़ा अलग तरीके से आया है। यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो नंबर जानने के लिए है कि ये वस्तु जो है वो कितनी है नंबर में। तो ये जो इकुत्सु का प्रयोग है ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, फिलहाल इतना जानने के लिए काफ़ी है कि ये नंबर के लिए है। और जब साई के लिए प्रयोग किया जाता है तो इकुत्सु या ओइकुत्सु लगाया जाता है। दारे और नान ये भी दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं, और इनका क्या फ़र्क है देखिए। अनुहितो वा दारे देस का, दारे यानी कि हमेशा हितों के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग में आएगा। तनाका सान वा दारे देस का, यहाँ पर भी देखिए हितो है, तनाका सान वा दारे देस का यानी कि तनाका सान कौन है। आप क्या ये प्रयोग कर सकते हैं अरे वा दारे देस का,
इसका प्रयोग जैसा कि यहाँ पे दिखाया है नहीं हो सकता है, क्योंकि अरे जो है वो केवल वस्तुओं के लिए है, वस्तु के लिए प्रयोग में आता है, कोरे सोरे अरे। तो इसलिए अरे वा दारे देस का नहीं होगा, अरे वा नान देस का होगा। नान देस का वो क्या है? दोनाता देस का। आपने दारे अभी किया, दारे का जो पोलाइट फॉर्म है वो दोनाता है। दोनाता तब प्रयोग किया जाता है जब आप किसी बड़े के बारे में पूछ रहे हैं या आपको पता नहीं है कि कौन है। जैसे कि आप सोचिए, आप घर के अंदर हैं और बाहर से किसी ने नॉक किया, बाहर से किसी ने खटखटाया, तो आप क्या पूछेंगे? आपको पता नहीं है कि वो सज्जन जो हैं वो बड़े हैं, छोटे हैं, कौन हैं, तो आप ज़्यादातर जापान में यही पूछेंगी दोनाता देस का, या आप ये पूछेंगे कि दोनाता सान देस का। अगर आप और भी पोलाइट होना चाहते हैं तो आप कहेंगे दोनाता सामा देस का, दोनाता सान देस का, दोनाता सामा देस का, कोरे वा नान देस का। जैसा कि आपको बताया, कोरे वस्तुओं के लिए है, वस्तु के लिए है ये सीरीज, इसलिए नान प्रयोग होगा, यहाँ पे दारे नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये तस्वीर देख करके आपको क्या लगता है? यहाँ पे ये दो सज्जन खड़े हैं, तनाका सान है, मीरा सान है, और ये एक बिल्डिंग है, और तनाका सान कुछ कह रहे हैं। इनकी बात सुन करके मीरा सान जो हैं कुछ परेशान हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछते हैं सुमिमा सेन आनो ताते मोनो वा गिंको देस का। ये जो ताते मोनो है, ये जो बिल्डिंग है, ये गिंको है क्या, ये बैंक है क्या? तो मीरा सान बेचारी घबरा जाती हैं और वो उनसे कहती हैं सुमिमा सेन युक्कुरी ओनेगाए शिमास, सुमिमा सेन युक्कुरी ओनेगाए शिमास, कृपया आप थोड़ा धीरे से बात करिए। या वो ये भी कह सकती हैं अगर उनको समझ में नहीं आया, सुमिमा सेन मो इच्छिदो ओनेगाए शिमास, अभी आपने ओनेगाए शिमास किया है तो मो इच्छिदो, मो इच्छिदो का अर्थ है कृपया एक बार दोबारा से, मो इच्छिदो एक बार दोबारा, ओनेगाए शिमास कृपया एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, बता दीजिए। तो ये जापान में अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखिए, क्योंकि बहुत काम आते हैं। अब जैसा कि आपसे हमने वादा किया है, हम लोग कांजी करेंगे, तो ये देखिए ये कांजी क्या है, ये तस्वीर क्या है कहना चाहिए, तस्वीर क्या है? तस्वीर है एक फाटक की और फाटक खुला है, तो एंट्रेंस बता रहा है, और एंट्रेंस की जो कांजी है वो ऐसे लिखी जाती है, एक और दो, पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा स्ट्रोक ये है। हमेशा ये याद रखने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो की कांजी से मिलती है, जो कि पहला स्ट्रोक ये आता है और दूसरा स्ट्रोक ये आता है। तो हम आज ये कांजी कर रहे हैं एंट्रेंस की, हाई रू, हा ई रू, हा ई रू, या ई रे रू, ई रे रू, यानी कि कुछ डालना, हाई रू माने एंटर करना, अंदर प्रवेश करना। तो ये कांजी है, और ये आती कहाँ से है? देखिए, बहुत ही अलग अलग तरीके की, जैसा आप उसको सोचिए उस तरीके से आप उसकी इमेज या उसका पिक्टोग्राम बना सकते हैं, आइडियोग्राम बना सकते हैं। तो ये आता है कि एक नदी है, और नदी में एक छोटी नदी आकर के मिलती है, तो ये वहाँ से पिक्टोग्राम आता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक टेंट है, एक टेंट है, और उसमें एक व्यक्ति जो है अंदर जा रहा है, घुस रहा है उस टेंट में, तो ये वहाँ से भी आती है। कुछ लोगों को इसकी इमेज जो आती है वो आती है कि पेड़, एक पेड़ है और पेड़ में से जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं, तो वो उसमें आकर के मिलती हैं, उससे आती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच है, पर ज़्यादातर यही है कि नदी है और नदी में दूसरी नदी आकर के मिलती है,
तब ये हायरू की कांजी बनती है। तो पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा स्ट्रोक यहाँ है, देखिए ये है। दूसरी कांजी है देरू की। ये देरू कैसे बनता है? देरू का अर्थ है एग्जिट, एग्जिट यानी कि बाहर जाना। तो ये व्यक्ति दरवाजे की तरफ भाग रहा है और इसकी जो कांजी बनती है वो है इस तरीके से बाहर भागना। तो जब ये इस तरीके से दिखाते हैं और इसको अगर लाइंस में हम दिखाएंगे तो ये ऐसे ही बनाया जाएगा। तो ये 5 स्ट्रोक का कैरेक्टर है, 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार फिर से कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से देरू की कांजी बनती है, ऐसे बाहर जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन के अंदर से पौधा बाहर निकलता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और उसमें पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं। तो देरू की कांजी वहाँ से भी बनती है कि ये और ये यहाँ पे पत्तियाँ हैं और ये फूल है। ज़मीन के अंदर से बाहर निकलना, सो कहीं से भी बाहर निकलने को देरू कहते हैं। नदी है, आपको दिख रहा है नदी है, गंगा नदी है ये। तो हम जब पानी दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं? हमेशा आप कहीं पे भी देखेंगे तो पानी ऐसे ही दिखाया जाता है। अगर इस तरीके का आप कुछ देखते हैं तो आपके मन में, दिमाग में यही आता है कि यहाँ पानी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको अगर हम 90 डिग्रीज टर्न कर दें, पलट दें, तो हमारे पास ये कैरेक्टर आ जाता है नदी का, नदी का कावा। इसको कावा कहते हैं जापानी में, नदी। अब यामा का कैरेक्टर कहाँ से आया है? पहाड़ियाँ हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से है। तो बीच का लाइन ये है, ये है और ये है, यामा। देखिए यही बिल्कुल पीक आ जाती है उसकी। तो इस तरीके से उसका पिक्टोग्राम, उसकी पिक्चर जो है आंखों में रख के और तब कैरेक्टर बनाया जाता है यामा। यामा माने पहाड़। ये कुछ नए शब्द हैं आपके लिए जो हम लोगों ने इस अपने पाठ में करे हैं। एक बार इसको बोलते हैं और हमारे बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। स्कातो, शत्स, जुबोन, सेता, किमोनो, हायरू, देरू, युक्कुरी, इरीगुची, देगुची, मोमेन। तो इसका आप जोर से अभ्यास करिएगा। और इसी के साथ आज का ये पाठ ख़त्म होता है। आप घर में अपने मित्र के साथ जो भी आज कराया गया उसका अभ्यास करिए, और जो भी अभ्यास करिए वो ज़ोर से करिए। आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।